फ्रेंड्स, माय सेल्फ सईदुल मन्नान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने पहले पार्ट में जो देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं और कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंट है। आयनिक बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिक पुअर गुड कंडक्टर होते हैं, जब कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो क्या पुअर कंडक्टर होते हैं। इस तरह की हमने डिस्कशन की थी। फिर हमने कार्बन के बारे में डिस्कशन किया था। कार्बन जो है उसकी आउटर सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 4 की वैलेंसी है। तो हमने देखा था 4 किसी से गेन भी नहीं कर सकता और किसी को डोनेट भी नहीं कर सकता। तब वो क्या करेगा कार्बन, वो क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा। और वो बीच वाला रास्ता मतलब वो शेयर करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर करके वो क्या बनेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। तो वही चीज़ हमें देखना है। हम सिंपल कंपाउंड हम ले रहे हाइड्रोजन, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। फर्स्ट सेल के अंदर कितने हैं, उसको 2 चाहिए। फर्स्ट सेल के अंदर क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ, अब जैसे हम मैं एग्जांपल दूँ तो आपको कोई भी जो पर्सन है, जैसे हमारे नॉर्मल जो हमारे पर्सन जो अवेलेबल होते, तो हमें भी क्या होता है, जो हमारे एक्ट्रेस के को कुछ लोग शौकीन होते हैं, क्या है भाई कोई एक्टर है कि भाई कोई लंबे बाल कर रहा है, तो उसकी जो हेयर स्टाइल है, उसकी जो पैरवेज जो है क्लोथिस, उस तरह से बनने की हम कोशिश करते हैं ना, इस तरह की, बट हम कभी बन नहीं पाते। जैसे कभी अमिताभ बच्चन पसंद है, तो अमिताभ बच्चन जैसे मुझे बनना है, तो क्या है कि उसका वॉइस है, उसकी जो टॉकिंग है, वो सब चीज़ पर हम कभी बन नहीं सकते, उसकी एक्टिंग कर सकते। तो इसी तरह से कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, टेम्पररी गैसेस फॉर्म में बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। हम भी क्या होते हैं, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं भाई। जैसे कि हमें खर्च हो रहा है 10,000 का पर मंथ, हम 5,000 हम कमा रहे हैं, तो क्या 5,000 का हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्या सेटिंग करते हैं, भाई किसी से लेंगे या इस तरह से हम कुछ ना कुछ सेटिंग कर दे। तो इस तरह का वर्क भी क्या होता है, हाइड्रोजन ये जो हमारे एलिमेंट्स के अंदर होता है वो क्या सेटिंग करते हैं, वो भी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो ये हाइड्रोजन है, तो हमारा हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन है, तो उसको एटॉमिक नंबर 1, उसके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन। तब उसको मैंने बोला था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, 100% फर्स्ट सेल में जाएगा। ये फर्स्ट सेल जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो सेकंड सेल में कभी नहीं जाएगा। ये सब चीज़ हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। तो फर्स्ट सेल के अंदर तो उसको मैक्सिमम कितने चाहिए, 2। अब है उसके कितने पास, उसके पास 1। तब उसके पास क्या 1 की वैलेंसी है, 1 क्या है, वैलेंसी है। तो 1 कोई उसको देने वाला होगा तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब 1+1 2 हो जाएगा। तो हम सेकंड हाइड्रोजन ले, इसी तरह से हम सेकंड हाइड्रोजन ले, तो सेकंड हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस सेकंड वाले को भी 1 चाहिए, फर्स्ट वाले को भी 1 चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस या डॉट से डोनेट कर सकता हूँ। ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, उसके पास क्या है, आउटर सेल का ही हमें डोनेट करना है। आउटर सेल में कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के पास 1, तो उसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ। और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी 1 चाहिए। तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब उसको रिटर्न करना है, डैपिक मतलब रिटर्न करना है, तो आप कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन है उसके साथ शेयर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है फर्स्ट वाला सेकंड से शेयर करेगा, और सेकंड वाला बोलेगा चलो मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तू भी शेयर कर ले। तो ये दोनों क्या करेंगे, इस तरह से शेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को शेयर करेंगे 1-1 इलेक्ट्रॉन। बट ये इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का भी नहीं होगा, और ये इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का, वो दोनों का बीच वाला रास्ता बोलेंगे। दोनों के पास हम नहीं बोल सकते इसके पास 2 है इसके पास 0, बट ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन जब हम शेयर कर रहे हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो क्या होगा, ये जो पैर हुई, ये हाइड्रोजन के पास कितना हुआ, हम इस तरह से सर्कल करना है, 2 हो गया 2। और ये मैं डिफरेंट कलर से मैं बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो रेड वाला किसका है, ये हाइड्रोजन का, इसके भी 2, ठीक है, 1-1 शेयर कर लिया। और ये हाइड्रोजन का भी क्या है, 2, उसने भी शेयर कर लिया, मतलब दोनों के पास 2-2 हो गए, बट ये एक्चुअली दोनों के होंगे नहीं। तो इस तरह का शेयरिंग करते, बीच वाला रास्ता निकलते, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग। 1-1 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उसको हम सिंगल बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसको हम अभी हम आएगा तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस तरह से हम होगी, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन इसीलिए देखना, हम H2 हम क्यों रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या है, दोनों ने शेयरिंग किया हुआ है, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से हम इसको रिनोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको रिनोटेट किया हुआ है, आप डॉट से भी कर सकते हो। इसी तरह से हम Cl2
क्लोरीन, क्लोरीन का भी कर सकते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल है भाई, चलो क्लोरीन नंबर 17, 17 मतलब उसकी आउटर सेल में 287 क्या है, 287 उसके आउटर सेल में कितना है 7, उसको चाहिए कितना 1, क्योंकि थर्ड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो चलो क्लोरीन है सेकंड जो क्लोरीन होगा तो वो क्या करेगा, वो भी उसके पास 17 है, उसके पास भी आउटर सेल में 1 होगा, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करना है तो क्या होगा, इस तरह से क्लोरीन है, चलो मैं आउटर सेल की हमें डोनेट करना है, क्रॉस क्रॉस 2, 4, 5, 6 और 7, और एक क्लोरीन का है, इसका कलर डिफरेंट कर लेता हूँ आपको अच्छे से पता चले, ठीक है ब्लू, तो उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अब ये क्लोरीन को कितना चाहिए 1, ये क्लोरीन को भी कितना चाहिए 1, तो ये क्लोरीन है उसका क्या करेगा 1 का शेयर करेगा, मतलब इस तरह से, क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 8 चाहिए, है ना, मैंने बोला ना हमें स्टेबल होना है, तो देखो अब ये क्लोरीन के पास कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये क्लोरीन को भी 8 चाहिए, तो ये क्लोरीन भी क्या करेगा इस तरह से शेयरिंग करेगा, इस तरह से शेयर करेगा, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना क्या 1-1 का शेयरिंग क्या, 1-1 का शेयरिंग क्या मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, एक एक का शेयरिंग करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड, इसी तरह से हम क्या करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है देखो यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन है तो देखो 6 उसकी ऑक्सीजन नंबर 8 मतलब उसके आउटर सेल में 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने चाहिए 2 चाहिए, तो देखो यहाँ पर 2 क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 ऑक्सीजन, तो दोनों को 2-2 चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे 2-2 का शेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे 2-2 का शेयरिंग, 2 का शेयरिंग करेंगे मतलब उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम डबल बॉन्ड बोलेंगे, तब देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है उसके अंदर कितने बॉन्डिंग है 2 बॉन्डिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे बॉन्ड से जाना जाएगा, सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन है नंबर 7, नाइट्रोजन नंबर 7 उसकी आउटर सेल में 2, 5 उसको मैक्सिमम कितने चाहिए 3 चाहिए, तो उसके आउटर सेल में नाइट्रोजन देखो 1, 2, 3, 4, 5 2 नाइट्रोजन लेंगे तो तीनों के दोनों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है, कि क्या करेंगे इस तरह से 3-3 इलेक्ट्रॉन के ये शेयरिंग करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेंगे शेयरिंग बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, तो आप देख सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था उसको सिंगल बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन है क्लोरीन है, ठीक है इस तरह से, इसी तरह से हमारा ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसी तरह से हमारा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है इस तरह से हम देख सकते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3, एमोनिया है वो NH3 से बना हुआ, यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन द डॉट स्ट्रक्चर इन मॉलिक्यूल शोइंग ऑल 4 एटम्स अचीव नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मॉलिक्यूल्स हैव सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको यहाँ पर दिया NH3 आप बना सकते हो NH3, तो ये आपका होमवर्क है, आपको क्या इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, तो सिंगल है डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको मैं आइडिया दे दूँ तो नाइट्रोजन है, ठीक है उसके पास उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर सेल में 5, 1, 2, 3, 4, 5, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन के पास 1 उसके पास भी 1 उसके पास भी 1, ठीक है हम कलर चेंजेस कर ले, चलो अब ये नाइट्रोजन कितने चाहिए उसको 3 चाहिए, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा 3 का शेयरिंग करेगा, क्या करेगा 3 का इस तरह से, ठीक है 1, 2, 3, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा 1-1 का शेयरिंग, 1-1 का शेयरिंग मतलब तीनों के बीच में क्या होंगे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो NH जो 3 है वो हमारा क्या होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा वो आपको देखना है, तो आपको होम सबको ऐसे ड्रॉ करना और आपको डिसाइड करना होगा सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखना है, ठीक है तो लेट अस हम डिफरेंट, ये तो हमने सेम लिया था अब हम डिफरेंट ले रहे हैं, लेट अस नो नाउ टेक अ टू द मीथेन, मीथेन विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, मीथेन इज वाइडली यूज फ्यूल एंड मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय द कार्बन, मिथेन हैज अ फॉर्मूला CH4, मिथेन के बारे में हमें डिस्कस करना है, ये कार्बन से बना हुआ होता है, तो वो क्या कहे कार्बन से बना हुआ है, तो
और उसका वाइडली यूज़ किस में होता है, फ्यूल्स के अंदर होता है, मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस, कंप्रेस नेचुरल जो गैस है उसके अंदर मीथेन का जो लेवल जो होता है काफ़ी सारा होता है, उसका जो फॉर्मूला है CH4, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, ये सी हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ द वैलेंसी ऑफ 1, कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। इन अदर अचीवमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन्स विद द 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन शोन इन फिगर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं भाई कार्बन जो है वो तो क्या है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, वो शेयर भी नहीं कर सकता, ले भी नहीं सकता, तो क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखने जाएंगे तो क्या है, वो 1 है, हाइड्रोजन का नंबर क्या है 1, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितने हैं 4, तो उसको नोबल गैसेस जैसे बनने की कोशिश करना है, जैसे बोला शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे बनने की कोशिश करना, तो उसको 4 चाहिए, हाइड्रोजन को कितने चाहिए 1 चाहिए, तो इस तरह से वो शेयरिंग करेगा। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं भी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चलेगा कि चलो कार्बन, तो कार्बन 2, 4, हाइड्रोजन H1, मीथेन का है फॉर्मूला CH4, मतलब 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हमें किस तरह से ड्रॉ करना है, फर्स्ट कार्बन आपको बीच में रखना है, कार्बन के आउटर सेल्स कितने हैं, आउटर सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं इसको डॉट से कर रहा हूँ, 1, 2, चलो यहाँ पर अच्छे से करें, चलो कार्बन 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को पहले डिनोट करो 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। सभी हाइड्रोजन्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास आउटर सेल में 1 है ना, 1, उसके पास भी 1 होगा, उसके पास भी 1 होगा, उसके पास भी 1, तो ये हाइड्रोजन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को कितने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, शेयर कर लेगा इस तरह से, ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा इस तरह से शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी क्या होगा इस तरह से वो शेयर कर लेगा, और ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा इस तरह से शेयर कर लेगा, तो 1-1 बॉन्ड होगा, क्या होगा 1-1 वो होगा। और कार्बन, तो कार्बन भी लेगा ना हमने सामने, ऐसा थोड़ी कि ये दे दिया तो हम जैसे कोई मार्केट या कहीं पर जाते हैं जिस तरह से मनी देते उस तरह से वो क्या देता, हमें कोई भी चीज़ प्रोवाइड करते, तो कार्बन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कार्बन भी बोलेगा मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सभी से, तो वो भी क्या करेगा बिकॉज उसको 4 चाहिए, तो वो क्या करेगा सभी के पास से वो 4 एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या होगा उसको बिकॉज आउटर सेल 4 है उसको चाहिए कितने 4 चाहिए बिकॉज 8 करने के लिए, तो सभी के पास से हाइड्रोजन के पास से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखो क्या होगा इस तरह से सर्कल जो है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन का ही था और ये सभी का 1-1 है, ये हाइड्रोजन का 1 है, ये हाइड्रोजन का 1 है, इस तरह से क्या होगा इस तरह से पूरा ये सर्कल ड्रॉ होगा। अब देखो कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के पास देखो 1-1 का शेयरिंग क्या, मतलब 1-1 हियर का 1-1 बॉन्ड, यहाँ पर 1-1, यहाँ पर 1-1, तो इस तरह से क्या करेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको हमें रिटर्न करना है बॉन्डिंग में, तो 1, 2, 3, 4 एच 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 एच, इस तरह से हम मीथेन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देख ये वन लाइन, वन सिंगल लाइन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, टू लाइन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तब इसको नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये क्या है मीथेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये क्या है कार्बन से बुना हुआ था, ये पुअर कंडक्टर होता है, क्या है इलेक्ट्रिकली पुअर कंडक्टर होता है क्योंकि वो बॉन्डिंग से होता है इसीलिए, और ऐसा नहीं कि कार्बन है, कार्बन से काफ़ी सारे चीज़ मैंने बोला 90% जो बनी हुई है, तो कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमें पता है ग्रेफाइट है किससे बना हुआ है, वो कार्बन से बना हुआ है, डायमंड है वो भी किससे बना हुआ, कार्बन से बना हुआ, और बकमिंस्टर फुलरेंस जो है 6TB किससे बना हुआ है कार्बन से, बट जो हमारा जो डायमंड है वो हमारा वेरी एक्सपेंसिव है, वेरी हार्ड मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल्स के अंदर रखे तो क्या है हमारा डायमंड है, बट उसकी कंपेरिजन में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब जो हमारी पेंसिल जो होती है ना उसकी जो आगे का पॉइंट पॉइंट है वो क्या ग्रेफाइट से, तो कंपेयर टू डायमंड ये क्या है वेरी लो, अब इसको एक थ्रो से ब्रेक कर सकते बट डायमंड होगा अब उसको ब्रेक नहीं कर सकते, दोनों चीज़ किससे बनी हुई है कार्बन से, तो उसको हम क्या बोलेंगे एलोट्रॉप्स बोलेंगे, कार्बन से बनी हुई चीज़ मतलब एलोट्रॉप्स, तो दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, दोनों चीज़ तो कार्बन से ही बनी हुई है तो दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, तो नहीं,
तो डायमंड जो है, डायमंड जो है यहाँ पर आपको रिटेन किया, आपको पढ़ना है, आपको दिया हुआ है वन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डिंग द फोर अदर कार्बन, जो कार्बन जो है अदर फोर कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन के अंदर कितने अदर फोर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कंपेयर टू ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो है एक कार्बन है वो थ्री कार्बन से जुड़ा हुआ, किस तरह से थ्री कार्बन, वन टू थ्री, तो थ्री से जुड़ा हुआ उसको तो क्या चाहिए, फोर चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड करना होगा। तो आप देख सकते हो डायमंड के अंदर वन कार्बन है फोर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ग्रेफाइट के अंदर क्या है थ्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली जो हमारे बकमिंस्टर फुली रिंग्स जो है वो भी क्या है, वो फाइव थ्री कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये आपका बकमिंस्टर फुली रिंग्स, फुली रिंग्स जैसा आपको एक ये आपको फुटबॉल जैसा आपको दिखा देगा, फुटबॉल ले लो तो आप यहाँ पर आपको देखो स्ट्रक्चर क्या, फर्स्ट डायमंड आप देख सकते हो, ये फर्स्ट जो कार्बन को कंसिडर करे तो वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये ग्रेफाइट है तो आप देख सकते हो थ्री थ्री डायमेंशन में आप देखो तो वन टू थ्री, थ्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है। तो इसके दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब उसके बेस पर हमारा जो आगे वाला जो पार्ट है, जो कार्बन वाले जो स्ट्रक्चर्स जो आने वाले, ये आपको आने वाले आप ये इस तरह के स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे आगे, बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से देखना होगा, ये वीडियो में आपको पता चलेगा तभी आपको क्या होगा हमें आगे की चीज़ पता चलेगा। तो वन वन इलेक्ट्रॉन सेल होगा तो वन बॉन्डिंग, टू इलेक्ट्रॉन होगा तो टू बॉन्ड, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसको सेल्स कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही शेयरिंग करेंगे, या ऑक्सीजन के वो टू चाहिए तो टू इलेक्ट्रॉन किसी के पास एक्स्ट्रा है तो उसके साथ वो क्या करेगा शेयरिंग करेगा और वो बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो हमें कार्बन के बारे में देखना है, काफ़ी सारे न्यू नेम्स भी आने वाले हैं, ठीक है, हमें उसको रिमेंबर रखने के लिए हमारे पास टेक भी अवेलेबल है, तो वो सब चीज़ हमें देखना है। ये वीडियो आपको बार बार देखना होगा, अच्छे से पता चल जाएगा, ताकि वाला जो पार्ट है हमारे जो चैप्टर का वो वेरी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा, इफ एनी डाउट इफ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।